मैडम, आपने हमें हमेशा सहारा दिया है। आज जब आपका बुरा समय चल रहा है तो हम आपको छोड़कर कैसे जाएंगे? दर्द बांटने से तकलीफ कम हो जाती है। हम खुशियों में आपके साथ थे तो बुरे समय में भी साथ रहेंगे। चाहे आप मुझे सैलरी ना दे, फिर भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सच में बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी यह हालत देखकर। अगर तुमने मिस इंडिया मुझे सौंप दिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। खैर, मिस संयुक्ता, बिजनेस करना औरतों के बस की बात नहीं है। बिजनेस एक जंग है जिसमें हर पल जिंदगी दांव पर लगी रहती है और आधी से ज्यादा ताकत खुद को बचाने में बर्बाद हो जाती है। खैर, तुम एक लड़की हो, तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? क्योंकि मैं एक औरत हूँ, इसलिए। तुम्हें लगता है मैं ये बातें नहीं समझ सकती? एक औरत को घर मिलता है तो वो परिवार बनाती है, राशन मिलता है तो वो सबके लिए खाना बनाती है, अगर उसे खुशी मिलती है तो वो बदले में प्यार देती है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक खुद को परिवार को समर्पित कर देती है। जिंदगी में जो भी मिलता है वो उसका दुगना देती है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वैसे तुम कुछ कह रहे थे ना, बिजनेस करना औरतों के बस की बात नहीं है। एक बात याद रखना, जितनी तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है ना, उससे दुगनी तकलीफ के लिए तुम खुद को तैयार रखना। औरत जब बोले बस मीठा रस घोले, औरत जब बोले मीठा रस घोले। रात दिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस इंडिया को एक दिन इतने बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। मुझे अब भी लगता है उस डील के साथ हमने गलती नहीं की। कैलकुलेशन में कुछ तो छूट रहा है। नैना कहाँ है? मुझे नहीं पता संयुक्ता, मैंने उसे 2 दिनों से देखा नहीं है, ना ही वो मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब दे रही है। तुम पहले से इतनी परेशान हो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, मैंने नैना की कॉल लिस्ट चेक की, उसने आखिरी कॉल होटल मायमी में किया था। सबसे भरोसेमंद इंसान ही धोखा देता है, ये आज से नहीं महाभारत के वक्त से चला आ रहा है। मुझे नहीं जानना है ये तुमने क्यों किया, और ये भी नहीं कि इससे तुम्हें हासिल क्या हुआ। सिंपल बात है संयुक्ता, हर इंसान अपने ही बारे में सोचता है और हर कोई यहाँ सक्सेसफुल भी बनना चाहता है, पर लाइफ हर किसी को मौका नहीं देती। मुझे मौका मिला तो मैंने फायदा उठा लिया। नाम पद्मनैना, जन्म हैदराबाद, माँ हाउसवाइफ, बाप मैकेनिकल इंजीनियर। MBA पूरा कर चुकी हो, अपनी दोस्त की कंपनी में काम करती हो, BBC न्यूज चैनल में रिपोर्टर बनना चाहती हो, करेक्ट? नैना,
मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स, समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर ड्रीम्स। इसका मतलब, अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। मैं तुम्हें एक गोल्डन चांस दूंगा, अगर मेरा कहा मानोगी तो उसकी इतनी कीमत दूंगा कि जिंदगी भर कमा नहीं पाओगी। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा, बीबीसी न्यूज चैनल में परमानेंट जॉब की गारंटी। क्या करना होगा? मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अफसोस इस बात का है कि अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। Miss Samyukta, how did your old friend betray you? Miss Samyukta, was it your decision that landed you in trouble? Miss Samyukta, why haven't you doubted Naina before? Miss Samyukta, हमें डिटेल में बताइए क्या हुआ था। एक आदमी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक औरत उसकी पहचान छीन ले, इसलिए वो जाल बिछाता है। So are you out of business? I'm born to do business. Business is not a monopoly. ये मेरा अधिकार है। मैंने आज तक यही सुना है कि बिजनेस एक जंग है, पर इसे कोई सीरियसली नहीं लेता। पर मैं एक वादा करती हूँ, ये बिजनेस एक जंग है। मिस्टर कैलाश शिव कुमार की साजिश के मेरे पास कुछ गवाह हैं। मैं आज ये अपील करती हूँ कि उन्हें उनके किए के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे ताकि आपको इंसाफ मिल सके। बट मिस इंडिया का क्या हाल है? रिपोर्ट सेज यू आर ब्रोक। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं यहाँ एक विनती करना चाहती हूँ। जो भी एक औरत की मेहनत की कद्र करता हो, जो भी बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत चाहता हो, जिसे भी चाय का स्वाद पसंद हो और जिसे भी मेरी सच्चाई पर यकीन हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फाइनेंशियली हेल्प करें। हर वो इंसान जो हमारी मदद करेगा वो मिस इंडिया का शेयर होल्डर बनेगा और फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स का हकदार बनेगा। ऑल दैट आई कैन से इज आई नीड योर हेल्प। थैंक यू। इन द शॉकिंग रेवलेशंस, मानसा संयुक्ता सबमिट्स रिकॉर्डेड एविडेंस अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेसी डन बाय कैलाश एंड नैना। जाते वक्त तुमने कहा था कि जब हम तुम्हारा जुनून समझेंगे तभी तुम घर वापस आओगी। हम तुम्हारा जुनून समझ चुके हैं। मैं चाहती थी कि तुम एक डॉक्टर बनो, पर मुझे दुख हुआ जब तुमने मेरी उम्मीद तोड़ी। लेकिन अपनी बच्ची के दिल और उसकी काबिलियत को नहीं समझा, उसका आज मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। मैं बहुत गलत थी मम्मा। मैंने घर सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा सकूं। इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ा था कि मैं आपसे नाराज हूं। I'm really sorry. आज तक मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दे पाया, कम से कम मुझे गलती सुधारने का मौका तो दो। मिस इंडिया, इंडिया I really miss India. संयुक्ता देखो तो जरा, हमें ऑलरेडी फंड्स आना शुरू हो गए हैं। 60,000 और अब भी आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। मैडम आप जरा उधर देखिए। We are always with you. Thank you. Thank you.
Can I have one more, please? मिस संयुक्ता, एज बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। जस्ट प्रूव इट। अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। थैंक यू। अरे भाई, एक चाय। औरत जब बोले मीठा सा रस घोले, औरत जब मात दे ओ माय गॉड क्या करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे $1,000 दिए। आज मैं वो सूद के साथ लौटा रही हूँ, $2,000। एंजॉय। थैंक यू मिस ट्रेनर, मिस इंडिया। चीयर्स। वाव। थैंक यू। अच्छा है आज आपको चाय और कॉफी के बीच फर्क तो समझ आ ही गया। KSK आउटलेट की हर कॉफी सिर्फ और सिर्फ पैसे से बनती है, लेकिन मिस इंडिया की हर चाय सिर्फ प्यार से बनती है। अगर इसी तरह का प्यार मेरी कॉफी में भी मिला गया होता तो आज ये हालत ना होती। अब भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई मिस्टर कैलाश। आप ही कहते हैं ना कि बिजनेस एक जंग है, तो जंग छेड़ दीजिए। विथ योर लव। ये हुई ना बात। औरत जब बोले मीठा रस घोले, औरत जब बोले मीठा रस घोले।